हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आरआर डेली ब्लॉगर। तो गाइस, आज हम बनाना स्टार्ट करेंगे कुट्टू के पकोड़े। कुट्टू के पकोड़े बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में कुट्टू का आटा ले लिया और मैंने 7 आलू लिए, 4 हरी मिर्च ले लिया। गाइस, आप कुट्टू के पकोड़े अगर नवरात्रों में व्रत के लिए बनाओगे तो उसमें आप सेंधे नमक का यूज़ करोगे और काली मिर्च का यूज़ करोगे। अभी हम तो कुट्टू के पकोड़े ऐसे घर में नॉर्मली खाने के लिए बना रहे हैं, तो हम तो जो नॉर्मली अपना नमक होता है उसको यूज़ करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे और हल्की से लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो गाइस, चलो फिर अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब हम आलू को कट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आलू को पहले वॉश कर लिया था, एक बार हम इनके कट करने के बाद वॉश करेंगे। तो गाइस, हम आलू को इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरह से पतले पतले पीसेस ले लेंगे इसके, ताकि जो हमारा कुट्टू का पकौड़ा वो एकदम क्रंची और करारे करारे बने। गाइस, ऐसे हम हल्के हल्के कट कर लेंगे इनके पतले पतले चिप्स से। आलू का चिक्कल हमने नहीं उतारा है, अगर आपको उतारना हो तो उतार सकते हो, हम तो ऐसे ही बना लेते हैं। ऐसे पतले पतले, इससे जो हमारे जो कुट्टू का आटा होता है ना, वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और हमारे कुट्टू के पकौड़े खाने में बहुत करारे लगते हैं। तो गाइज, मैंने आलू को कट कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम ये वाले जो आलू हैं इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इसमें पानी, नीचे पानी है। इसे अगर हम इसी में कुट्टू को आटा ऐड कर देंगे तो हमारे पकोड़े पतले पकोड़े का जो वो है कम करना। गाइज, अगर हम इसी में कुट्टू का आटा ऐड कर देंगे तो हमारे जो कुट्टू का जो पकौड़े होंगे वो गीले हो सकते हैं, जिससे कि उनको सेकने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो गाइस, अब हम इसमें ये हरी मिर्च जो हमने ली थी ये कट कर लेंगे, इनको बारीक बारीक कट कर लेंगे। हरी मिर्च कट कर ली है, अब हम इसमें कुट्टू का आटा ऐड करेंगे। हल्का सा नमक लेंगे, हम नॉर्मली अपने खाने के लिए बना रहे हैं इसलिए हम नॉर्मल नमक का यूज़ करेंगे, अगर हम व्रत के लिए बनाते तो हम सेंधा नमक का यूज़ करते हैं। अब इसमें हल्की से लाल मिर्च, और गाइस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम पानी बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसी को ऐसे मिक्स करेंगे। अगर हम पहले पानी ऐड कर देते तो हमारा जो आटा होता है ये बहुत पतला हो जाएगा, ये पानी छोड़ देता है, इसलिए हम पहले इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। गाइस, हमारी कढ़ाई गरम हो गई है, तो अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे रिफाइंड को, और दूसरी तरफ अब हम इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का ऐड करना है गाइस, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुट्टू का आटा पानी छोड़ता है, इसलिए हम हैंड टू इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस, प्लीज़ 1 के सब्सक्राइबर करवा दो, ताकि हम आगे सेलिब्रेट करें और आपको अच्छे अच्छे उनके सब्सक्राइबर के बाद आपको और आगे अच्छी अच्छी डिश मिलेंगी देखने को, तो इसलिए हमारे 1 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और गाइस, हमारा तेल गर्म हो गया और हमारे अब हम इसमें कुट्टू का पकौड़ा डालेंगे तेल में। तेल को हमने हाई फ्लेम पर रखा है, क्योंकि जिससे हमारे कुट्टू का पकौड़ा है तेल में भी कढ़ाई में छिपते हैं और अच्छी तरह से सीखें। तो गाइस, आप देखिए एक एक करके हम इसे कुट्टू का पकौड़ा इसमें छोड़ देंगे। तेल को हाई रखें थोड़ा सा, गाइस हमारे पकौड़े एक तरफ से सीखे तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे पलटेंगे।
गैस फ्लेम को हमने कम कर दिया। अब इसे हम ऐसे पलट लेंगे अच्छी तरह से। अब इसे हम दूसरी तरफ फ्राई करेंगे। गाइस ये बहुत खाने में बहुत स्वाद लगते हैं और जल्दी ही बन जाते हैं, इसलिए आप एक बार ये मेरे रेसिपी ट्राई करें। इसमें ज़रा सी ये खाने से लगती मिनटों में बनने वाले पकौड़े हैं। गाइस हमारे पकौड़े सीकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे छलने की सहायता से निकालेंगे। गाइस देखिए कितना क्रंची बनाया है इन्हें और ये मिनटों में सीख गए हैं। ना ज़्यादा ऑयल लगा ना ज़्यादा टाइम लगा। और देखिए पकौड़े एकदम सीख के तैयार हो चुके हैं आप देख सकते हैं। अब इसका हम सारा ऑयल निचोड़ लेंगे, गैस को कम कर देंगे। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगते हैं। नवरात्रों में तो हम ज़्यादातर यही व्रत में हम यही खाते हैं या कुट्टू की पूड़ी खाते हैं। तो गाइस मैं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करना कमेंट करना, फिर इसके बाद मैं आपको कुट्टू की पूड़ी बनाना बताऊंगी, कुट्टू की पूड़ी और कचौड़ी। तो गाइस आप देख सकते हैं सारा ऑयल हमारा इसमें से निकल गया। अब हम इसे निकाल देंगे एक साइड एक प्लेट। आप देख सकते हैं कितना क्रंची पूड़ी है। गाइस हमारे कुट्टू का पकोड़े बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। इसे आप दही के साथ, टमाटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो। गाइस देखिए हमारे पकोड़े अंदर से एकदम क्रंची हुए हैं। इसमें मैंने एक दो हरी मिर्च की भी लगा कर तल दी थी। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।